चैनल साहित्य शिक्षा। तो आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है क्लिंथ ब्रुक से। इससे पहले भी हमने क्लिंथ ब्रुक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्ट वन हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक करके उसको देख सकते हैं। पार्ट वन में हमने क्लिंथ ब्रुक का इंट्रोडक्शन, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस किया था और क्या उन्होंने अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीजें की हैं, उन सबको डिस्कस किया था। ये पार्ट सेकेंड है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लिंथ ब्रुक के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स या इम्पोर्टेंट जो की कंसेप्ट थे वो हमारे लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं और उनको कैसे समझा जाए। तो हम शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उनकी एक इम्पोर्टेंट बुक का नाम है द वेल रूट अन, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, बट आज इसके अंदर के जो कंसेप्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेल रूट अन है, इसका फुल टाइटल है स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री, जो कि 1947 में आई थी। डेट तो आपने पक्का याद रखनी है क्योंकि पेपर में आजकल मैचिंग में डेट आ जाती है, कौन सा वर्क किस टाइम पब्लिश हुआ या सीक्वेंस में लगाने हैं, ठीक है। अब हम पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि ये बुक क्या थी। वैसे इस बुक के अंदर टोटली 11 चैप्टर थे, जिसमें से जो 10 थे वो क्लोज रीडिंग पे बेस्ड थे। ये क्लोज रीडिंग क्या होती है? क्लोज रीडिंग का मतलब होता है जब आप टेक्स्ट कोई रीड कर रहे हो विदाउट किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, यानी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट को कैसे देख रहे हो। राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था जब टेक्स्ट को लिख रहा था, वो नहीं आपने देखना, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है टेक्स्ट को रीड करते टाइम, उसको बोलते हैं क्लोज रीडिंग। तो इसके जो 10 चैप्टर हैं 11 में से, वो वेल रोट अन के, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है क्लोज रीडिंग से। और जो 11 चैप्टर है वो हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, जिसका नाम है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक टर्म भी कह सकते हैं हम, या एक इम्पोर्टेंट अलग से है तो चैप्टर, बट एक ये मान लो कि एक थ्योरी की तरह काम करता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या है। एक और इम्पोर्टेंट बात, वेल रोट अन जो था इसका टाइटल, वो जॉन डन की पोएम कैनोनाइजेशन से लिया गया था, ठीक है। ये पेपर में ये क्वेश्चन वैसे आ सकता है, इसलिए मैंने इसको बताया है। इसके अलावा इसने जो अपनी जो चैप्टर है या चैप्टरों के बीच में या फिर कह सकते हैं बुक के अंदर, इसने बहुत सारे जो ब्रुक है उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को इंक्लूड किया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो शेक्सपियर की मैकबेथ से लेकर और यीट्स के जो अमंग स्कूल चिल्ड्रन, ये इनकी एक पोएम का नाम है डब्ल्यू बी यीट्स की, यहां तक इन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है। और इनका मानना था कि एज कोई मैटर नहीं करती कि कोई जो पोइट है वो रोमांटिक है या कोई न्यू क्लासिकल है, तो वो चीज कोई मैटर नहीं करती। इंपॉर्टेंट चीज है कि राइटर जब पोइट लिख रहा है तो वो किस इमोशन के साथ लिख रहा है, दैट्स द मेन थिंग, ओके। अब मैंने वैसे बता दिया है कि जो 11 चैप्टर था वो हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज के ऊपर था, ठीक है। बट इस हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज में भी दो अपेंडिसेस थी, पहली थी क्रिटिसिज्म हिस्ट्री एंड क्रिटिकल रिलेटिविज्म, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरी थी द प्रॉब्लम ऑफ बिलीफ, ओके। पर पहले हम इससे पहले जो इसका फर्स्ट चैप्टर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 10 चैप्टर में, इन द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, ठीक है। ये भी इन जो फर्स्ट 10 चैप्टर हैं उनमें से एक चैप्टर है जो पैराडॉक्स के ऊपर स्पेशली बेस है, क्योंकि ब्रुक अगर आप पैराडॉक्स की बात करोगे तो शायद ब्रुक ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। उनका मानना था कि पैराडॉक्स जो है वो सेंटर होता है किसी भी पोइट्री का, ठीक है। तो जो लैंग्वेज है पैराडॉक्स की, वैसे एक्चुअल में जो पैराडॉक्स है, सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स एक टर्म है या एक लिटरेरी डिवाइस है, ये स्टेटमेंट है और एक्सप्रेशन है सो सुपरमाइजिंग बाय सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि सेल्फ में जब कोई चीज कॉन्ट्राडिक्ट करे, ठीक है, कोई चीज एक चीज के अपोजिट हो, ठीक है। तो जैसे हॉट कोल्ड, तो उस टाइम पे मतलब कोई चीज गर्म भी है और ठंडी भी है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि वो चीज कैसे हो सकती है, अगर एक चीज गर्म है तो वो ठंडी कैसे हो सकती है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज रिलेटेड टू पैराडॉक्स, ओके। और ये जो मतलब कि इसने इस चीज को प्रूव करने के लिए अलग अलग बुक्स के एग्जांपल लिए हैं, या अलग अलग हम पोएम्स कह सकते हैं जो ब्रुक ने उठाए हैं, उनमें से जो मेन थी इनकी वो थी एक विलियम वर्ड्सवर्थ की और एक थी जॉन डन की, ठीक है। ज्यादातर तो इन्होंने दो ही ली हैं। पहली थी जॉन
इंग्लैंड की कैनोनाइजेशन जिससे इन्होंने टाइटल भी लिया है, और सेकेंड थी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ठीक है, इन दोनों में अब जैसे कैनोनाइजेशन की अगर बात करें तो इन्होंने इसमें इन्होंने दिखाया है कि जो टू लवर्स की एक स्टोरी है, ये जो जॉन्डन है वो अपने बीलव्ड को ये स्टोरी डेडिकेट करते हैं, और जॉन्डन ने टू लवर्स को कैंडल के साथ कंपेयर किया है। तो ब्रूक कहते हैं कि ये जो पैराडॉक्स है किसी नॉन लिविंग थिंग का किसी लिविंग थिंग के साथ जोड़ देना किसी चीज को, ये जो पैराडॉक्सिकल चीज है ये उस पोएम को और ज्यादा सुपर बनाती है। हालांकि तो वो पोएम इतनी बेस्ट ना भी होती, बट अगर जॉन्डन ने पैराडॉक्स का यूज कर दिया तो दिस बिकम वेरी पॉपुलर, दिस बिकम वेरी इमोशनल। सो द नेक्स्ट है जो वर्ड्सवर्थ की, उसमें उन्होंने दिखाया है कि जो वर्ड्सवर्थ है वो लंदन शहर को कंपेयर कर रहे हैं सनशाइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया कि कैसे नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग है जो उनको कंपेयर किया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि कुछ जैसे लंदन सिटी है वो मैन मेड है और जो सनशाइन है वो नेचुरल है, बट वो वर्ड्स पर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, और ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। शायद वर्ड्स पर उतने अच्छे राइटर ना भी होते, बट अगर उन्होंने पैराडॉक्स का यूज किया तो वो ऑटोमेटिक ही मतलब एक बहुत अच्छे राइटर बन रहे हैं, बिकॉज ही यूज पैराडॉक्स। अंडरस्टैंड, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हैं। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड फ्रा इन ऑर्डर टू प्रूव हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो ब्रूक बताते हैं कि ये कैनोटेटिव मीनिंग देती है। कैनोटेटिव मीनिंग का क्या मतलब होता है? एक डीप मीनिंग देती है। ठीक है, एक इमोशनल, एक डीप अंडरस्टैंडिंग देती है हमें ये चीजें। ठीक है, अब पॉइंट है वो क्या करता है कि जो ब्रूक क्या व्यू थे पैराडॉक्स को लेकर, क्या कह रहा है वो, पैराडॉक्स इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड आइडियल डिवाइस टू पोएट्री इन ऑर्डर टू कम थॉट्स एज वेल एज एक्शंस। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो पैराडॉक्स है वो एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने थॉट्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ, अपने इमोशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ये इतनी ज्यादा क्या कहते हैं, पैराडॉक्स के बिना जो पोयम है वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप लिखो या आप अपना जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस कर पाओ विदाउट पोयम। ओके, अब ये एग्जांपल है, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडेड वैली रॉक एंड हिल्स, कि मतलब सन है उतनी अच्छे से अपनी किरणें नहीं बिखराएगा वैलीज वगैरह पे। कहने का मतलब क्या है कि वैलीज वगैरह एक नॉन लिविंग थिंग है और उनके ऊपर जो सन रेज गिर रही है वो तो सन रेज ऑलरेडी गिर रही है, बट उसके बाद भी वो अपनी जो सनशाइन है वो कैसे नहीं गिरा रहा। तो मतलब एक पैराडॉक्सिकल वे से बात की है। अगर नेक्स्ट है, I shut my eyes so that I can see. मैंने अपनी आंखें बंद की ताकि मैं उसको देख सकूं। ठीक है, आंखें बंद भी हैं और देखना भी है, मतलब ये एक पैराडॉक्सिकल थिंग है ना। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो क्लिंट ब्रूक ने उनका सपोर्ट किया है और कहा है कि इसके बिना एक पोएट्री है वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसमें वो फीलिंग्स, वो इमोशन दे पाओ। पैराडॉक्स इन न्यू क्लासिकल पोएट, नो फैक्ट व्हाट अ पोएट बिलोंग टू इज। अब इन्होंने कहा है कि जो न्यू क्लासिकल के एज के जो पोएट थे उनमें भी जो क्या कहते हैं पैराडॉक्सिकल चीजें वो देखने को मिली हैं। तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ब्रूक्स का मानना था कि एज कोई मैटर नहीं करती है, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप कोई भी जो पोएम लिख रहे हो तो उसमें पैराडॉक्स का होना जरूरी है। तो ये 10 चैप्टर में से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो भी कंप्लीट हो गया है कि पैराडॉक्स क्या होते हैं, क्लिंट ब्रूक के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, उन्होंने किन के एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज से। ठीक है, अब ये जो हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज है ये क्या थी, हेरेसी का मतलब क्या होता है, एरर, एरर ऑफ पैराफ्रेज। पैराफ्रेज मतलब किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें। तो ज्यादातर इन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया है, पोएम्स पे, और जब ये पोएम्स के बारे में बता रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि क्या किया जाता है कि जो ज्यादातर पोएम्स हैं
उनमें एरर आ जाता है, वो इस वजह से होता है कि उनकी हेरेसियो पैराफ्रेज कर दी जाती है, यानी कि उनको पोइट्री की फॉर्म जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है और उनको प्रोज का स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जाती है या उनके जो फॉर्म है वो चेंज करने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से हेरेसियो पैराफ्रेज होता है। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस चीज के। तो अब देखो हेरेसियो पैराफ्रेज, अब मैंने बता दिया है कि क्या होता है ये, जिसमें कुछ एरर करने की कोशिश की जाए पैराफ्रेजिंग की पोइट्री के अंदर। ठीक है, कैसे? अब जैसे कि पोइट्री जो होती है उसको ट्रांसफॉर्म करने की अगर कोशिश की जा रही है, उसके पोइटिक मीनिंग को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, किसमें? प्रोज स्टेटमेंट में। दिस इज, ये क्या है, ये एक फेलियर होगा कि आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे कि पोएम को पोएम की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, अगर आप उसको एक प्रोज में क्या कर रहे हो, उसको प्रोज स्टेटमेंट में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक पोएम को पोएम नहीं समझ रहे हो। पोएम कांट फॉर्म एंड कंटेंट आर इनसेपरेबल, जो पोएम की जो फॉर्म होती है और उसका जो कंटेंट होता है वो इनसेपरेबल नहीं होता, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे कि पोएम जो होती है वो कुछ, मान लिया ऐसे पोएम लिखते हैं तो ये कुछ बीच के ऐसे बॉक्स में लिखी जाती है, बट अगर हम नॉवेल्स या किसी अदर वर्क की बात करें तो वो पूरा ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या है, ये एक फॉर्म है, एक इसका जो कंटेंट है उसको एक फॉर्म दी गई है, और ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म दी गई है वो इनसेपरेबल नहीं है, यानी कि कंटेंट और फॉर्म है वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। अगर आप उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक एरर कर रहे हो। ठीक है, ही थिंक पोएम इज वर्ट इन इमोशन एंड इट्स ओन रोमांटिक स्ट्रक्चर, उनका मानना था कि जो पोएम है वो वर्रैप्ड होती है, यानी कि पूरी लिपटी हुई होती है इमोशन से, एंड और उसका खुद का एक रोमांटिक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो फॉलो करती है। ठीक है, अब और क्या कह रहे हैं, इफ द फॉर्म चेंज, उनकी एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है, अगर फॉर्म चेंज हो गई द मीनिंग चेंज अलोन विद इट, तो जो मीनिंग है वो भी इसके साथ ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टोटली। ठीक है, अब ये तो हुई है इसी पैराफ्रेज की बात हमने कर ली है, पैराडॉक्स के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम किसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम जो क्लिंगब्रुक थे उन्होंने क्या आयरनी अपनी पोइट्री में आयरनी की भी इम्पोर्टेंस बताई है और बताया कि टू टाइप्स की जो आयरनी है वो होती है, कौन कौन सी होती है वो चलो देख लेते हैं। तो ब्रुक जो थे क्लिंगब्रुक, उन्होंने अपनी पोएम पोइट्री में टू टाइप्स की आयरनी को डिस्कस किया है, कौन कौन सी, फर्स्ट है ड्रामेटिक एंड सेकंड है वर्बल आयरनी। तो हम जान लेते कि जो वर्बल आयरनी क्या होता है और ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है, जो कि उन्होंने क्लिंगब्रुक में डिस्कस किया है। ठीक है, वर्बल आयरनी होता है, वर्बल का मतलब होता है वर्बली जो आपको क्या हो, वर्बली जो वर्ड्स में अपीयर हो। ठीक है, यानी कि वर्बली जब आप बोल रहे हो उस दौरान जो अपीयर होती है, जैसे कि कोई आदमी बहुत ज्यादा मोटा है और उसको आप कह रहे हो कि यू आर लुकिंग सो स्लिम नाउ, यानी कि आप उसको वर्बल बोलकर कुछ ना कुछ क्या स्टायर कर रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके की आयरनी को बोलते हैं वर्बल। बट ड्रामेटिक क्या होती है उसके अपोजिट में, ड्रामेटिक तब होती है जब मान लिया कोई मूवी चल रही है और आपको पता है कि उसके जो कोई हीरो है उसको किसी जगह पे पहुंचना है, उसके मान लिया डैडी को कुछ होने वाला है या समथिंग कुछ भी हो सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड को या उसकी वाइफ को कुछ भी होने वाला है, ऑडियंस वो बात जानते हैं कि वो जब तक वहां पहुंचेगा उसकी जो उसको मतलब जो भी इंसिडेंस होना है वो हो चुका होगा, बट अभी जो हीरो है वो एक्शन कर रहा है, वो भाग रहा है, वो जा रहा है, जो भी कर रहा है वो एक्शन ले रहा है, उसको नहीं पता कि क्या होगा, तो उसको ड्रामेटिक बोला जाता है। जब ऑडियंस तो जानते हो कि एक्चुअली में जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो क्या होने वाली है, बट जो हीरो है जो एक्ट कर रहा है उसको नहीं पता कि इन फ्यूचर या मतलब कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो उसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी, जो कि क्लिंगब्रुक ने अपनी पोइट्री में शो की है। तो आज के लिए हमने तीन चीजें अच्छे से कर ली हैं, द वेल रोट ऑन के जो 11 चैप्टर में से जो सॉरी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसको कर लिया है, और उसके बाद जो उनके अंदर जो तीन टॉपिक थे जिसमें पहला टॉपिक था द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, और थर्ड हमने आयरनी को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई डाउट है तो
आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अभी, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कोई वीडियो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।